हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई टेक्नोलॉजी। तो यार आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल लैंग्वेज के बारे में। स्टेप नंबर वन जो है टाइप्स ऑफ लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो इसमें यार फाइव टाइप ऑफ लिस्ट होती हैं जो कि डेफिनेशन लिस्ट, मेन्यू लिस्ट, डायरेक्टरी लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर टू, जिसमें हम बताने वाले हैं चेंज इन अपीयरेंस। तो यहाँ पर हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू जो कि है हाउ टू चेंज फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज कॉमा फॉन्ट लुक। ये हम कोडिंग की मदद से कैसे चेंज एंड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है जो है फॉन्ट स्टाइल बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। उसके बाद है फॉन्ट साइज जो कि है 1 से लेकर 7 तक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और नंबर थ्री है जो है फॉन्ट लुक। फॉन्ट लुक में सिंपल वो ऐड कर देंगे तो हमारे लिए वही लुक आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें कलर देना तो सीख ही चुके हैं पहले वाली जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें। तो यार अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है स्टेप नंबर 3, जिसमें हम सीखने वाले हैं जब किसी भी शब्द को काटना या किसी भी वाक्य को काटना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेक्स्ट के थ्रू कैसे काट सकते हैं। तो यार यहाँ पर भी हम एग्जांपल के थ्रू पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। वेलकम बैक टू इंडिया। तो यहाँ पर हम इसे काट सकते हैं ठीक उसी तरह से जैसे हम किसी भी रफ कॉपी पे काट देते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम यार HTML की मदद से काटेंगे जो कि पहले काटेंगे जो है 1 लाइन और सेकेंड लाइन यानी कि 2 लाइन से हम इसे काट सकते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे इसमें टेक्स्ट रनिंग द मार्जिन, यानी कि जो हम सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट होती है उस पर हम कई बार जाते हैं तो उसके नीचे जो टेक्स्ट होता है वो चलता हुआ आता है इधर से उधर, उधर से इधर। तो वो भी हम यहाँ पर आज सिखाने वाले हैं, वो भी हम कर सकते हैं HTML कोडिंग की मदद से। और उस चलते हुए टेक्स्ट को हम हाइपरलिंक करना भी सीखेंगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यार इतना ही, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और हमने VS Code सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में VS Code सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप नोटपैड पे कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आती है जो है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। तो उसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले एक H1 हेडिंग और यहाँ पर लिख देंगे डेफिनेशन लिस्ट। इसके बाद लगाएंगे हम DL टैग जो कि है डेफिनेशन लिस्ट, और इस लिस्ट में हम देंगे एक DT टैग जो कि है डेफिनेशन टाइटल। तो डेफिनेशन टाइटल का मतलब है हम किस बेस पे बनाना चाहते हैं इसकी लिस्ट। तो हम बनाना चाहते हैं कंप्यूटर पार्ट्स, तो कंप्यूटर पार्ट्स लिख देंगे। और हम इसे बोल्ड और इटैलिक करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बोल्ड करना चाहते हैं इसे, तो हम इसमें लगाए वी टैग, तो ये हो जाएगा बोल्ड, ठीक है। कंप्यूटर पार्ट्स आएगा वो बोल्ड लिख के आएगा बोल्ड। अब इसके बाद हम देते हैं इसमें DD टैग जो कि है डेफिनेशन डिटेल्स, तो इसके लिए हम इसके पार्ट्स देंगे कीबोर्ड। एंड उसके नीचे देंगे माउस। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन डिटेल्स यानी डेफिनेशन लिस्ट को कवर कर लिया है। अगर हम इसमें किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को और इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यार आई टैग लगा देंगे। तो कीवर्ड को हम कर रहे हैं इटैलिक, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर आई टैग। जहाँ तक हमें इटैलिक रखना है वहाँ तक हमें ओपन रखना है, उसके बाद हमें कर देना क्लोज। तो यहाँ पर क्लोज हो चुका है। उसके बाद आती है लिस्ट जो है मेन्यू लिस्ट। तो मेन्यू लिस्ट के लिए हम लगाएंगे पहले मेन्यू लिस्ट का टैग, और मेन्यू लिस्ट के अंदर लिखेंगे जो है H2 हेडिंग, जिसमें हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। और इसके बाद हम लगाएंगे इसमें LI टैग जो कि होता है लिस्ट ऑफ आइटम। तो कितने टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कवर कर लिया। अब इसके बाद बात आती है हम इसमें कोई भी टेक्स्ट यानी कि जो वेबसाइट पे चलता हुआ आता है जो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट, तो वो किस तरीके से आता है, तो वो हम लगाएंगे इस टैग में जो कि H2 हेडिंग जो टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पर उसके लिए हमें एक टैग लगाना होता है जिसका नाम है मार्क्यू टैग। तो हम पहले लगाएंगे मार्क्यू टैग। तो इस टैग से हमारा जो टेक्स्ट होगा वो इधर से उधर चलता हुआ आएगा, ठीक है।
और इस टैग में हम कुछ इसके विड्थ और हाइट भी मैनेज कर सकते हैं जो कि एट्रीब्यूट के बेस पे होती है। तो हम इसमें चलाने के लिए पहले लगाएंगे इसका एक बिहेवियर को एट्रीब्यूट और इक्वल करके कर देंगे इसमें अल्टरनेट। तो ये हमारा टेक्स्ट चलता हुआ आएगा। अगर इसका हम कुछ कलर देना चाहते हैं इसके बैकग्राउंड का तो वो हम दे सकते हैं वीजी कलर करके, ब्लू या रेड कोई भी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज करें। तो प्राइमरी मेमोरी हम उसका फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉन्ट साइज टैग। तो फॉन्ट साइज में हम रखेंगे इक्वल करके और डबल कोड के अंदर हम जो फॉन्ट साइज देंगे जैसे कि 6 या 7 तो वो हम यहाँ पर दे देंगे और इसे कर देंगे क्लोज। जहाँ तक हमें इसका फॉन्ट साइज 6 रखना है वहाँ तक इसे ओपन रहने देना, उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। तो उसके बाद बात आती है कि हम कोई भी टेक्स्ट या मिस्टेक या जैसे कि रफ कॉपी में कुछ भी गलती हो जाती है तो उसके ऊपर हम लाइन कर देते हैं वो किस टैग से आता है। तो यहाँ पर हम सेकेंडरी मेमोरी में लगाएंगे उस टैग का यूज करेंगे जिसका नाम है स्ट्राइक। तो हम इसे कर देंगे क्लोज और उसके बाद हम लगाएंगे एक दूसरी लिस्ट जो कि है अनऑर्डर लिस्ट का टैग जो है यूएल। तो यूएल टैग लगाएंगे, उसके अंदर हम इसमें H2 हेडिंग दे देंगे जिसमें हम देंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटर। उसके नीचे लगाएंगे एलआई टैग यानी कि लिस्ट ऑफ आइटम। तो इसमें कितने टाइप होते हैं, LCD LED वगैरह होते हैं, तो हम अभी इसमें दो हैं मॉनिटर LCD एंड LED। अब इसके बाद हम इसमें कुछ जैसे कि ये अनऑर्डर लिस्ट है तो इसमें हम इसके सामने स्टार या सर्कल वगैरह बना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। उसके लिए सिंपल हमें UL टैग लगाएंगे और उसके बाद टाइप लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगाया हमने UL टैग और इसके अंदर लिख दिया टाइप और इक्वल करके उसका नाम यानी कि सर्कल और इसे कर दिया क्लोज, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे उनके सामने एक सर्कल बन के आएगा, जैसे कि ये कॉपी हम करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो इनके सामने सर्कल बन के आएगा। और उसके बाद बात आती है हमारी ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट पहले लगाएंगे OL टैग और उस OL टैग के अंदर लगाएंगे LI टैग और इसमें हम इसकी वैल्यू दे देंगे कुछ भी जैसे कि टाइप्स ऑफ माउस। तो इससे पहले हम इसमें लगाएंगे H2 हेडिंग और यहाँ लिख देंगे टाइप्स ऑफ माउस। तो माउस के टाइप्स क्या होते हैं, तो पहला वॉल माउस एंड वायरलेस माउस, ठीक है। तो हम दो दे देते हैं अभी। तो यहाँ पर हमारी ऑर्डर लिस्ट हो चुकी है, इसमें भी हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे OL टैग और इस OL टैग के अंदर दे देंगे हम टाइप। तो टाइप यानी कि हम कहाँ से इसकी ऑर्डर लिस्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें 1, 2, 3 भी आ सकता है, ABCD भी। तो हम यहाँ पर फिलहाल 50 से करेंगे इसकी ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट एंड इसके बाद हम जो भी लिस्ट ऑफ आइटम देंगे तो वो 50 से 51, 52 ऐसे करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉपी ये पेस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो हमने ये सब कर लिया है, इसके बाद हम इस फाइल को करेंगे सेव। तो Ctrl+S दबाएंगे तो हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो उसके लिए चलते हैं हम डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे हमारी फाइल आ चुकी है, सिंपल उस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विद। ओपन विद के बाद गूगल क्रोम पे जाएंगे, हमारे लिए फाइल ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिस्ट है जो फर्स्ट नंबर पे आ रही है, जिसका साइज हमने इंक्रीज किया था वो बोल्ड भी किया हुआ है। उसके बाद कीबोर्ड ये इटैलिक किया है तो ये इटैलिक है, ठीक है। और ये सब देख सकते हो, ये स्टैक लगाया है हमने ये गलती का, ये भी आ रहा है यहाँ पर। और जो LCD LED का सर्कल बनाया है तो यहाँ पर सर्कल आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर वॉल माउस ये मिस्टेक है इसमें, यानी कि हमने इसकी काउंटिंग 50 से कराई थी पर ये अभी वर्क नहीं कर रहा। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, ये अल्टरनेट चल रहा है यहाँ। तो OL टाइप्स की जगह पे हमें OL लगाना है स्टार्ट, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट लगा दिया, अब हम इससे कर देंगे Ctrl+S और चलते हैं अपने वेब पेज पे। तो यहाँ करेंगे F5। तो हमारी यहाँ पर ये फाइल है यानी कि जो अभी
आ रही थी 1 2 करके काउंट, तो अभी 50 और 51 से आ रही है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो यार, पसंद आया तो लाइक करना, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग HTML C लैंग्वेज की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।